और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। थाईलैंड में चिल्ड्रन डे केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। हमले में कई बच्चों समेत 31 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने अपने परिवार समेत खुद को भी गोली से उड़ा लिया। थाईलैंड के पूर्वोत्तर प्रांत में घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। हालांकि अभी फायरिंग के पीछे का मकसद साफ नहीं हो पाया। मैक्सिको में हथियारबंद लोगों ने टाउन हॉल मेयर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में करीब 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में टाउन हॉल के मेयर समेत पूरे परिवार की हत्या हो गई है। इस हमले में मारे गए लोगों में 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। फायरिंग की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को 4ों शव झाड़ियों में मिले। मरने वालों में 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने शुरुआती जांच में अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। सभी को 3 अक्टूबर को अगवा किया गया था। सभी लोग पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले थे। अमेरिका के इंडियाना में भारतीय मूल के छात्र की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप उसके रूममेट के ऊपर लगाया जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे का मकसद जानने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें 20 साल का भारतीय छात्र वरुण मनीष छेड़ा अमेरिका के इंडियाना में कोरियाई युवक के साथ रह रहा था। यूक्रेन पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हमला रूस की आर्टिलरी की तरफ से किया गया है। इस हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीका के माली में एक सैन्य विमान क्रैश हो गया जिसमें एक पायलट की मौत हो गई है। वीडियो में नजर आया कि कुछ दूर उड़ने के बाद विमान जमीन पर आ गिरा और गिरते ही आग की लपटों ने उस विमान को घेर लिया। इसके बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। बताया जा रहा है कि जो विमान क्रैश हुआ वो सुखोई SU-25 है जिसे इसी साल अगस्त में माली को रूस से मिला था। दक्षिणी ग्रीस के काइथेरा आइलैंड पर एक नाव अचानक चट्टानों से टकरा गई जिसकी वजह से नाव डूब गई। बताया जा रहा है इस नाव में करीब 100 प्रवासी सवार थे जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई। उधर बचे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों का यह कहना है कि कई लोगों को बचा लिया गया है, वहीं कई लोग अब भी लापता है। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जहां भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की पिटाई कर दी। वीडियो में 3 साधुओं को भीड़ बेकाबू होकर पिटाई करती दिखाई दे रही है। भीड़ साधुओं पर जमकर लात घूंसे और लाठी बरसा रही है। बताया ये जा रहा है कि दशहरा मेला के दौरान साधु बच्चों से बातचीत कर रहे थे जिसके बाद लोगों को साधु पर बच्चा चोर होने का शक हुआ। साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। राजस्थान के बीकानेर में डांडिया खेलने के दौरान छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया गया जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आरोप यह है कि डांडिया खेल रही लड़की से कुछ लड़के बदसलूकी कर रहे थे जिसका वहां मौजूद लड़के ने विरोध किया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इसमें 10 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि गांव में खाली पड़ी जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद एक पक्ष जमीन में निर्माण कार्य कराने पहुंच गया जिसकी वजह से विवाद हुआ। हरियाणा के नूह में अपराधियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां जुबेर नाम के एक बदमाश के अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के पहले बदमाश के मकान का सामान बाहर निकाला गया, फिर बुलडोजर से मकान के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के आरोपी के ऊपर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान के सीकर पुलिस ने बच्चे के अपहरण के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया है। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए यह दावा किया कि आरोपी विदेश में पढ़ाई करने जाने वाला था जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। पैसे के लिए आरोपी ने खौफनाक साजिश रची और बच्चे का अपहरण कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी बच्चे को लेकर हरियाणा जाना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ 36 घंटे की बारिश की वजह से शहर पानी पानी हो गया। घरों में पानी भर गया। किसानों की तैयार धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी भी बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने क्लास 1 से 12 तक के सभी स्कूल को बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। भारी बारिश के बाद बरदाहा नदी में उफान आ गया है। नदी का पानी चैक डैम के ऊपर बह रहा है जिसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी तेजी से बह रहा है जिसके बाद दोनों तरफ के लोग फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में उफान आने के बाद आधा दर्जन गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सुल्तानपुर में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। अब आलम यह है कि भारी बारिश के बाद कोरेभार थाने पे पानी भर गया। थाने में चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों की मुसीबत बढ़ गई है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की पोस्ट के पास एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 5 घंटे में 5 बार ड्रोन भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर सरहद में दिखाई दिया। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने 37 राउंड फायरिंग की और ड्रोन को वापस भेज दिया, जिसके बाद से बीएसएफ पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में बन्नी उत्सव के दौरान हिंसक झड़प हो गई, जिसकी वजह से 50 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस समारोह में करीब 11 गांवों के लोग शामिल थे। प्रथा के मुताबिक भगवान को ले जाने के लिए छीना झपटी होने लगी और इसी के बाद यह समारोह हिंसक हो गया, कई लोग इसमें घायल हुए। केरल के पालकाड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर KSRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 9 की मौत हो गई है, 38 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बस स्कूल से छात्रों और टीचर्स को लेकर ऊटी जा रही थी और इसी दौरान एक बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बताया गया कि मरने वालों में 5 छात्र शामिल थे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक बाढ़ आ गई। हादसे में 8 की मौत हुई, जबकि अभी भी 25 से ज्यादा लोग लापता हैं। आनंद फानंद में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव के काम में जुटी है। हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। और कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। इस दौरान राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिव्यांग भी साथ थे। इस दौरान राहुल गांधी ने दिव्यांग लोगों से बात की। वहीं राहुल बेटे की भूमिका में भी नजर आए। अपनी मां के जूतों के फीते को बांधते दिखाई दिए राहुल गांधी। आपको बता दें, आज कांग्रेस की यात्रा का 29वां दिन है।